टॉपिक लिखे ना परसेंट यील्ड। तो देखो यहाँ पर अभी तक जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं वो सारे टॉपिक्स में क्या था कि हम लोग इस हिसाब से पढ़ रहे थे कि ये ए जो है वो बी का फॉर्मेशन करेगा और उसके इक्वेशन से देख रहे थे कि ए जो है अगर मान लो टू बी का इक्वेशन का फॉर्म कर रहा है, इट मीन्स कि अगर ये एक मोल है तो ये क्या होगा, दो मोल का फॉर्मेशन होगा। दैट इज़ बाई एज्यूमिंग कि ये जो रिएक्शन है वो कितना हो रहा, वो 100% हो रहा, या ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो ए का जो प्योरिटी है वो क्या है, 100% प्योर है। लेकिन अगर जैसे ही अगर हम बात करते हैं कि ए की प्योरिटी जो है अगर वो 80% है, ए की प्योरिटी क्या है 80% है, तो अगर यहाँ से हम लोग देखें कि 2B अगर है तो यहाँ पर थ्योरेटिकली क्या कहेंगे, एक मोल से दो मोल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर ये 80% है तो इसकी वजह से प्रोडक्ट में भी क्या होगा, कहीं ना कहीं पर इसके फॉर्मेशन में चेंज आएगा ही आएगा, ये प्योर नहीं बनने वाला, ये जस्ट बिकॉज ऑफ क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी होने की वजह से इसके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में भी कमी आ जाएगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये रिएक्शन 100% होता तो इतना फॉर्मेशन होता, लेकिन अगर रिएक्शन 80% ही अगर हो रहा है तो इसके जो यील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि अगर ये 10 मोल है तो 10 मोल है तो इसको कितना बनना चाहिए, 20 मोल, कब, जब रिएक्शन क्या हो जाएगा 100% होगा। आइदर रिएक्शन 100% हो जाए या इसका जो यील्ड है वो क्या हो जाए, वो 100% हो, लेकिन ये तो 80% ही है। तो बेसिकली इसका जो एक्चुअल फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 80% ऑफ 20 मोल। तो यहाँ पर इसके अंदर में परसेंटेज अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में दिक्कत आएगा। अब यहाँ पर देखो वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं कि यील्ड की बात करें या बाकी चीज़ों, तो ये डिपेंड किस पर करता है, तो किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी पर, कि वो सब्सटेंस क्या है, कितना परसेंट प्योर है, 50% प्योर है, 25% प्योर है, कितने परसेंट प्योर है, उस प्योरिटी पर वो क्या करता है, वो डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि कोई सब्सटेंस में हम लोग देखें तो प्योरिटी और इम्प्योरिटी दोनों सब्सटेंस इस तरीके से चीज़ें एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम यहाँ पर अगर आपसे पूछे एक वर्ड कि व्हाट डू मीन बाय इम्प्योरिटी, अगर हम एक वर्ड पूछते हैं आपसे कि इम्प्योरिटी क्या होता है, ये वर्ड जो है वो इम्प्योरिटी क्या होता है, तो देखो बेसिकली हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटी होता है अनावश्यक ये चीज़ें, दैट इज अनडिजायरेबल सब्सटेंस। जो अनडिजायरेबल जो सब्सटेंस होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी कहते हैं। इम्प्योरिटी का प्रॉपर डिफिनेशन नहीं होता, इम्प्योरिटी का मतलब क्या हो गया, अनडिजायरेबल सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो कि अगर हम घर पर दाल या चावल मंगाते हैं और उसमें एक पत्थर निकल जाए तो उस केस में इम्प्योरिटी क्या हो जाएगा, पत्थर। बट अगर वही घर के कंस्ट्रक्शन के लिए अगर मान लो कि हम पत्थर मंगाते हैं उसमें अगर दाल मिल जाए एक दो मुट्ठी, तो उस केस में इम्प्योरिटी क्या हो जाएगा, ये दाल हो जाएगा। मतलब वो अनडिजायरेबल सब्सटेंस की तरह बात करते हैं। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अभी हम आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री के बीच में हम आपसे देश दुनिया की बातें करने लगे, हिस्ट्री की बातें करने लगे, तो आपके लिए इम्प्योरिटी क्या हो जाएगा, वो बाहरी जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। लेकिन अगर वही मान लो कि हम UPSC की कोचिंग करा रहे हैं और उस बीच में केमिस्ट्री के ये सब चीज़ें लेकर के चले आए तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी होगा। तो इम्प्योरिटी का मतलब होता है अनडिजायरेबल सब्सटेंस। और एक चीज़ लाइफ में हमेशा याद रखना कि किसी भी एक्शन या रिएक्शन में इम्प्योरिटी पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, ये वर्ड याद रखना। किसी भी रिएक्शन के लिए, दैट इज फॉर एनी रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं और ये तुम्हारे लाइफ के लिए बात करें और एक्शन, इम्प्योरिटी विल नॉट पार्टिसिपेट। इस केस में क्या होगा कि इम्प्योरिटी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर मान लो हम आपको 2 घंटे का असाइनमेंट दे रहे हैं और 2 घंटे में आधा घंटा आप सो जाओगे तो इट मीन्स कि 75% वर्क कर रहे हो, 75% ही हुआ ना, तो 75% होगा। तो ये वही चीज़ कर रहे हैं कि अगर किसी भी एक्शन की बात करें, रिएक्शन की बात करें, तो उसमें इम्प्योरिटी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जितनी अगर इम्प्योरिटी होगा उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट के यील्ड में फॉर्मेशन में कम आएगा। जैसे इस तरीके से समझो कि मैं आपको अगर 50 क्वेश्चन दिया जाता है और हमें पता है कि आप 2 आवर्स में कर लोगे, लेकिन इन 2 आवर्स में क्या करें कि 1 घंटा
तुम जाके सो गए, मोबाइल चलाना स्टार्ट कर दिए, तो इट मीन्स कि तुम्हारे अंदर इम्प्योरिटी कितना आ गया, 50%। तो उसकी वजह से 50 क्वेश्चंस में तुम कितना बना पाओगे, 25 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। उसी तरीके से अगर किसी सैंपल में इम्प्योरिटी आता है तो उसकी वजह से उसके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में चेंजेस आएगा। तो पहले तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में आ जानी चाहिए कि इम्प्योरिटी क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी क्या होता है और उसके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर कैसे सर कैलकुलेट करेंगे किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी का, तो देखो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं परसेंट प्योरिटी का, कि कोई भी सब्सटेंस कितना परसेंट प्योर है। तो देखो बेसिकली ये होता है क्या, तो दैट इज मास से हम लोग यहाँ पर रिलेट करते हैं कि थ्योरेटिकली 1 kg आना चाहिए था, बट सब क्या आया, 700 ग्राम ही आया। थ्योरेटिकली कितना आना चाहिए था, 1 kg आना चाहिए, लेकिन आया कितना, 700 ग्राम। इट मीन्स कि उसके अंदर में कुछ क्या रहा होगा, इम्प्योरिटी रहा होगा। तो परसेंट प्योरिटी इज कैलकुलेटेड बाई, इसको हम लोग कहते हैं वेट, है ना, वेट ऑब्जर्व्ड बाय क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं वेट थ्योरेटिकल, और परसेंट में कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है कि भाई मास इतना ऑब्जर्व हो रहा है, थ्योरेटिकल इतनी होनी चाहिए, इनटू क्या हो जाएगा, 100। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग 10th 12th के मार्क्स को देख लो, टोटल ओवरऑल मार्क्स 500 था, आपने 440 उसमें स्कोर किया, तो 440 बाई क्या हो जाएगा, 500 × 100। तो उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो ये वेट के फॉर्म में है। इसके अलावा ये भी हम लोग कर सकते हैं, परसेंटेज प्योरिटी के लिए हम लोग मोल्स के फॉर्म में भी चल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑब्जर्व्ड बाई क्या हो जाएगा, मोल्स थ्योरेटिकल इनटू 100। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल के बीच में एक कंपैरिजन करते हैं कि भाई इतना ऑब्जर्व्ड होगा इतना थ्योरेटिकल होगा, और इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो ये परसेंटेज प्योरिटी क्या हो, ये चीज़ें क्लियर है। और अगर इसमें हमसे पूछ दिया जाए कि इम्प्योरिटी कितना होगा, अगर हमसे पूछा जाए इम्प्योरिटी, तो 100 से माइनस कर देंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि परसेंट इम्प्योरिटी कितना होगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 100 माइनस प्योरिटी। तो देखो हम दो लैंग्वेज को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो 80% प्योर है, कोई भी सब्सटेंस अगर 80% प्योर है, इट मीन्स क्या हुआ कि 20% वो क्या है, ये इम्प्योर है। तो प्योरिटी इम्प्योरिटी वाली चीज़ें क्लियर है। और ये परसेंट यील्ड या एफिशिएंसी पर भी उसी तरीके से ये वर्क करता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखो वो तुमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक सिंपल सा हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज सॉलिड फॉर्म में। ये चौक के फॉर्म में हो सकता है, मार्बल के फॉर्म में हो सकता है, ये किसी भी फॉर्म में इस तरीके से हो सकता है। और अगर हम इनका हीट करते हैं तो ये किस में फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, और किस में फॉर्मेशन होता है, CO2 ये गैस, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देखा जाए तो इस रिएक्शन में देखो हम लोग क्या कह रहे हैं कि थ्योरेटिकली क्या गिवन है कि 100 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट वो 49 ग्राम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इस क्वेश्चन क्या है कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 49 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, देन कैलकुलेट इट्स परसेंटेज प्योरिटी। अब इस चीज़ों को देखो थ्योरेटिकली कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो थ्योरेटिकली हमने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, जितना मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है उतना ही मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, बिकॉज इट इज़ अ बैलेंस रिएक्शन, ये बैलेंस रिएक्शन है, और बैलेंस रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर 1:1 रेशियो में। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो ये 100 ग्राम है और इसका मोलर मास भी क्या होता है, 100 होता है, और इसका वेट निकालना हम लोगों को, दैट इज थ्योरेटिकल, बाई क्या हो जाएगा, इसका मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 56। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो वेट जो होगा थ्योरेटिकल वो कितना आएगा बताओ, 56 ग्राम, बट वेट ऑब्जर्व कितना है, 49। तो हम लोग यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज प्योरिटी, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑब्जर्व्ड बाय वेट थ्योरेटिकल इनटू क्या हो जाएगा, ये 100। परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू वेट ऑब्जर्व्ड, और ये वेट ऑब्जर्व्ड जो है ये प्रैक्टिकल डाटा है, ये कभी भी गिवन ही रहेगा, ये कभी भी गिवन है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट से इतनी चीज़ें कैलकुलेट किया।
तो ये क्या हो जाएगा 49 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा जो थ्योरेटिकल मास आना चाहिए इसका, तो परसेंटेज प्योरिटी यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा ये 7/8, तो ये 1/8 12.5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये 87.5% आ जाएगा। दैट इज द परसेंट प्योरिटी ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज 87.5%। तो ये परसेंट प्योरिटी वाली चीज़ें क्लियर है, ऑब्जर्व्ड थ्योरेटिकल इंटू 100, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत? ठीक है, टॉपिक्स आगे बढ़े फिर हम लोग। अब एक ऐसे ही छोटी सी चीज हम आपसे पूछते हैं कि एक रिएक्शन है जो कि ए से बी की तरफ जा रहा और इस रिएक्शन की जो प्योरिटी है वो 90% है, और बी से सी जा रहा तो इसकी प्योरिटी क्या है 80% है। तो अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ सी, दैट इज फ्रॉम ए टू सी का ये परसेंट कितना होगा, क्या ये बता सकते हो? ये केमिस्ट्री नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। सिंपल मैथमेटिक्स है कि ए से बी जा रहा तो 90% है, बी से सी जा रहा तो कितना 80% है। तो ए से सी कितना परसेंट जाएगा, ए से सी कितना परसेंट जाएगा, कितना? इतने देर में तो निकल जाना चाहिए था। देखो अगर ये 100 है तो 90% ही जा रहा, तो ये कितना हो जाएगा 90, और बी से सी जा रहा 1:1, अब ये क्या हो जाएगा 80% ऑफ 90, तो ये क्या हो जाएगा 80/100 इंटू क्या हो जाएगा ये 92। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कन्वर्जन कितना होता है, ये 72% का कन्वर्जन होगा। इस बात को समझे, इसलिए देखना कि आप जब भी कभी मॉल वगैरह में जाओगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा 50+50% ऑफ, इसका मतलब 100% फ्री है लेके भाग आना। अगर कहीं 50+50% ऑफ रहेगा तो कपड़े लेकर के भाग जाओगे कि भाई ये तो ऑफ ही है। नहीं, इसका क्या मतलब हुआ, ओवरऑल कितना परसेंट हुआ, ये 75%। तो ये चीजें समझ में आया कि परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग, याद रहेगा ये चीजें। तो इस तरीके से रिएक्शन हम लोग देखते हैं। अब आगे हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल तरफ बढ़ते हैं इसमें। एक रिएक्शन है KClO3 है और ये KCl और O2 में कन्वर्ट हो रहा, तो पहला एक काम करते हैं हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। तो इस रिएक्शन को बैलेंस अगर करते हैं तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 2, 2 और 3, और ये रिएक्शन जो है वो 75% ही हो रहा है। 75% का मतलब ये होगा कि ये जो रिएक्शन है वो टोटल कितना परसेंट वो यील्ड होगा उसका 75%। तो उसका जो हम अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 75% होगा। तो अगर इफ इनिशियल मोल इज 20, तो अब ये बताइए कि ये कितना कितना प्रोड्यूस करेगा। 20 मोल्स ऑफ KClO3 विल प्रोड्यूस हाउ मच KCl एंड O2 इफ द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 75%। तो अगर ये चीजें आपसे पूछा जा रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा। तो पहला तो मोल एनालिसिस करके थ्योरेटिकल प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे। तो यहां पर हमने आपको मोल एनालिसिस करके बताया, तो ये मोल्स ऑफ KCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75% ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 होगा। थोड़ा देखना एक मिनट, अगर ये दो मोल से दो मोल प्रोड्यूस करता है तो उसको कर सकते हैं। तो मोल्स ऑफ KCl इज इक्वल टू 75% ऑफ क्या हो जाएगा KClO3। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो 75/100 इंटू क्या हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, तो कितना मोल प्रोड्यूस करेगा ये 15 मोल प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से O2 भी कर सकते हो। तो अगर हम आपसे पूछे कि मोल्स ऑफ O2 थ्योरेटिकल कितना हो जाएगा, तो 3/2 ऑफ KClO3, कब, जब 100% होगा। तो 75% में क्या हो जाएगा, दैट इज 75% ऑफ 3/2 मोल्स ऑफ KClO3। समझ रहे इस बात को,
दो मोल से तीन मोल बन रहा है यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये इसको अगर दो मोल से देखो तीन मोल बन रहा, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ O2 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 2/3। तो O2 कितना मोल्स हो जाएगा, तो दैट इज 275%, और इसके प्रोडक्ट जैसे निकालोगे। इसके मोल एनालिसिस वाले भी पोर्शन हम बताए थे आपको कि मोल्स ऑफ KClO3 बाय क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 बाय क्या हो जाएगा 3। तो मोल्स ऑफ O2 किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 मोल्स ऑफ KClO3 व्हेन द रिएक्शन इज 100%। जब रिएक्शन क्या हो जाएगा 100% होगा, तब हम ये बात करेंगे वहाँ पर। लेकिन ये 75% है तो क्या लिखोगे, 3/2 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 75/100 इंटू क्या हो जाएगा, हाँ इंटू 3/2 इंटू क्या हो जाएगा 20। हमें लगता है आराम से इसको सॉल्व कर लोगे, ये सॉल्व हो जाएगा। ये वाला पोर्शन समझ में आया सभी को, मतलब ये थ्योरेटिकल प्रोडक्ट है व्हेन द रिएक्शन विल गोज 100%, बट ये रिएक्शन कितना जा रहा, 75%। तो 75% ही तो होगा, अगर आप किसी एग्जाम में 75% उसमें स्कोर कर रहे हो तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 75% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो ये परसेंटेज प्योरिटी वाली चीजें क्लियर है, इसे आगे बढ़े फिर हम लोग। Yes. 95% प्योर CaCO3 प्रोड्यूसेस 125 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 125 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। देन कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ द सैंपल, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ द सैंपल। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर प्योरिटी दिया हुआ है और 125 ग्राम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा वहाँ पर, है ना, वेट कितना होगा कि सो दैट कि 125 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिल जाए। अब देखो यहाँ पर इस रिएक्शन में देखो तुमको क्या दिख रहा है कि CaCO3 है और ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CaO प्लस ये CO। तो यहाँ पर अगर वेट एनालिसिस करें तो वेट बाई क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाई क्या होगा 56। ये वेट एनालिसिस में हमने आपको पढ़ाया था। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट 125 ग्राम है तो यहाँ से हम लोग वेट ऑफ CaCO3 निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 125/56 इंटू क्या हो जाएगा ये 100 ग्राम। इट मीन्स कि हमें इतना एक्चुअल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, इतना हमें क्या चाहिए, एक्चुअल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है अगर सैंपल की प्योरिटी 95% है तो हम सैंपल कितना लेंगे, सैंपल कितना लेंगे बताओ तो फिर इससे, है ना, गुड। तो ये क्या हो जाएगा 95% ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस अमाउंट, है ना, ये उसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 12500/56। ये एक्चुअल वेट हमें चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं और आपका ये जो एफिशिएंसी है वो 80% है, हम आपको 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम 40 ही बना रहे हो, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़ा देंगे। तो वही उस वर्क के बारे में पूछा जा रहा। तो ये क्या हो जाएगा 95/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12500/56। तो एक्स का अमाउंट हो जाएगा 12500/56 इंटू 100/95 ग्राम, मतलब इतना कैल्शियम कार्बोनेट का हमें सैंपल चाहिए।
इतना हमें कैल्शियम कार्बोनेट का, इतने ग्राम का हमें सैंपल चाहिए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़े से इसको रिवर्स करके हम लोग ये पूछे यहाँ पर, तो परसेंटेज वाली चीज़ें क्लियर है।